Hi guys, welcome back to Easy Indian Kitchen, EAZY Indian Kitchen, एक ऐसा चैनल जहाँ मैं लेके आती हूँ आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसे बहुत ही सरलता से आपको बता सकूँ ताकि आप सुन के आराम से इसे घर बैठे बना सकें। तो चलिए आज हमने बनाना है जिंगी पार्सल जो कि बच्चों का बहुत ही पसंदीदा होता है, वेजिटेरियन नॉन वेज हिसाब से आप उसकी स्टफिंग कर सकते हैं, घर में बनाने का यही फ़ायदा होता है। तो उसके लिए लेना है हमने एक छोटा चम्मच चीनी का और आधा छोटा चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, कोई भी मार्केट में आपको अवेलेबल रहती है। इंस्टेंट ईस्ट आपका पैकेट आप मंगवा सकते हैं, मार्केट से बहुत ईजीली अवेलेबल है। एक कप वार्म वाटर इसके साथ मिलाएंगे तो इसे फर्मेंट करने के लिए हम 5 मिनट रखते हैं। उसके बाद हम लेंगे 2 कप मैदा। तो स्वाद अनुसार नमक इसमें पड़ेगा और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसी हुई चीनी चुटकी भर डालें आप, अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप जो यूज़ करते हैं वो वाली चीनी भी डाल सकते हैं, उससे कलर अच्छा आता है। तो देखिए ये झाग हो गई है, ईस्ट में पानी जब हम मिला के इसे इसी पानी से गूंदेंगे। अगर आपकी झाग नहीं हुई है ईस्ट में का मतलब आपका ईस्ट पुराना हो चुका है और रिजल्ट नहीं लाएगा, तो आप उसे चेक कर लें। तो इससे आटा हम गूंदेंगे, आटा को इस तरह से हम गूंदेंगे, एक पहले तो हम इसे अच्छी तरह से पानी ये डालते हुए ईस्ट का इसे असेंबल कर लेंगे। उसको फिर हम थोड़ा सा तेल यूज़ करते हुए हाथों में थोड़ा सा ओडरलेस ऑयल कोई भी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ करें, थोड़ा सा हाथ में लेते हुए हम इसके ऊपर लगा के हम इसे स्ट्रेच करेंगे। हम आटे को जितना स्ट्रेच करेंगे ना उतना ही हमारा जो आटा है बढ़िया गूंदेगा। तो देखिए इस एक हाथ से मैंने किस तरह से पकड़ के उसे स्ट्रेच करते हुए वापस ला रही हूँ, उसके बाद इसे इस तरह से करने से आटा बहुत बढ़िया गूंदेगा और हमारे झिंगी पार्सल बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो आज मैं इसे आपको प्रेशर कुकर में बना के दिखाऊंगी। आपके पास अगर रोटी जी है तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री पे या 200 पे भी 20 मिनट्स तक। तो इसे हमने अंदर फोल्ड करते हुए देखिए हमारा आटा तैयार है और इसे हम इस तरह से थोड़ा सा मलते हुए हम इसको एक कंटेनर में एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे मिनिमम 45 मिनट्स। तो इसको नीचे की तरफ से ग्रीस कर लेते हैं कंटेनर को और उसके ऊपर रख देंगे आटा अपना गूंधा हुआ मैदा जो है, और उसके ऊपर थोड़ा सा हम फिर से ऑयल का थोड़ा ब्रशअप कर देंगे और उसके ऊपर मैंने क्लिंग रैप से रैप कर दिया है ताकि उसमें हवा ना पास हो। आप कोई भी टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में फिलिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी आपको स्टफिंग के लिए डालना है। मैंने यूज़ किया है कैप्सिकम अनियन और ग्रेटेड पनीर, तो बारीक काट लिए। 3 चम्मच तेल में मैंने पहले अनियन डाला है, उसके बाद कैप्सिकम और फिर मैं थोड़े से सॉसेस डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसमें सेजवान सॉस मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक इसमें डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर छिड़का है, थोड़ा सा ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स पिंच ऑफ बोथ ऑफ देम। तो इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने केचप भी ऐड किया है। अब हम ग्रेटेड जो पनीर है वो हम मिक्स कर देते हैं और हमारा अंदर का स्टफिंग तैयार है। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं। देखिए एकदम एयर फिल हो गई है, इसे हम पंच करते हुए हम इसे फिर से थोड़ा सा इसे मलेंगे जिस तरह से पहले मल रहे थे, और अब हम इसकी लोई बना के जितना हमने बनाना है उतना हम निकाल लेंगे लोई और उसे फिर से ढक के रख देंगे और एक लेते हुए हम उसे बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, और फिर हम इसे ट्रायंगुलर शेप देते हुए इसमें फिलिंग करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से ट्रायंगुलर शेप उसको दे देते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग। मैं फिलिंग के साथ स्लाइस ऑफ चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर चिटार चीज़ है तो आप उसका इस्तेमाल करें जो पिज़्ज़ा में हम यूज़ करते हैं। तो 2 तरफ पकड़ते हुए हम तीसरी तरफ इस पानी की सहायता से हम इसे कप बंद कर देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे हम दूध ताकि इसका जो कलर है वो बढ़िया आता है।
साथ में मैंने लेना है, अभी प्री हीट कर दिया है कुकर। एक बात का ध्यान रखें कि जो प्लेट हम जिसमें डालेंगे वो जितनी ऊंची ऊपर से हो स्पेस, उतना ही नीचे से भी, क्योंकि अगर नीचे सरफेस पे, प्रेशर कुकर के सरफेस पे अगर ज़्यादा नीचे की तरफ सामने होगा तो नीचे जो झींगी पार्सल होगा वो ज़्यादा बेक हो जाएगा। तो आप प्रेफरेबली, मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि जितना नीचे का हाइट है उतना ही हाइट ऊपर का हो, तो दोनों तरफ से बराबर पकेंगे। तो इसे हम इस तरह से मैंने डाल दिया। आप मनचाहा जो भी कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं उसी हिसाब से कटोरी वगैरह आप एडजस्ट कर लीजिए, और 20-25 मिनट्स तक ये हमारे झींगी पार्सल तैयार होंगे। तो इसे हम कवर करके पकाएंगे, बेक करेंगे। तो लगभग तैयार है और एक दो मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और इसके ऊपर देखिए हमारे झींगी पार्सल तैयार हैं। अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं और इस पे ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर ब्रश के से मदद से, तो उससे बहुत ही चमक आ जाएगी उसमें और खाने में और भी लाजवाब लगेंगे, तो और टेम्पटिंग लगेंगे। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा बटर मेल्ट करके ब्रश अप कर दीजिए। तो हमारे झींगी पार्सल तैयार हैं। आप इस पे कुछ भी फिलिंग डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला आपको, आप अगर वेजिटेरियन है तो आप पनीर का इस्तेमाल करें, आलू का इस्तेमाल करें। तो घर में बनाने के यही फ़ायदे होते हैं कि आप मन चाहा इसमें फिलिंग कर सकते हैं। तो मिन्स चिकन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई हो और ये आसान सी रेसिपी, आप ट्राई करें और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आए, और मेरे चैनल को ज़रूर से इस तरह की रेसिपीज पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।